अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.4। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बाय नूरुद्दीन जेटली सेकंड एडिशन के पहले चैप्टर के हमारे पास प्रॉब्लम चल रहे हैं, और एक्सरसाइज का आज हमारे पास प्रॉब्लम 1.4 है, क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली सेकंड एडिशन। सो प्रॉब्लम हमारे पास है कि अज्यूमिंग दैट अ गिवन स्टार रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी एस्टिमेट, ए पार्ट हमारे पास है द टेम्परेचर एट इट्स सर्फेस एंड द बी पार्ट इज द वेवलेंथ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन व्हेन इट एस्टिमेट अ टोटल इंटेंसिटी ऑफ 575 मेगावाट पर स्क्वायर मीटर। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट हैं। पहला हमारे पास क्या है कि हमने टेम्परेचर फाइंड करना है सरफेस पे, और दूसरे में हमने वेवलेंथ जब हमारे पास टोटल इंटेंसिटी इतनी हो। सो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन मिलते रहें। जो बेल आइकॉन है वो प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज के इस बुक के वो मैं एक एक करके सारे इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास टेम्परेचर हमने फाइंड करना है पार्ट ए में, तो हम उसके लिए दूसरा हमारे पास वेवलेंथ यानी लैम्डा मैक्स हमने फाइंड करना है। सो टेम्परेचर के लिए जो हम यूज फार्मूला करेंगे वो हमारे पास है जो पी इक्वल्स टू ए सिग्मा टी पावर फोर। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है जी? हमारे पास वन डिस्प्लेसमेंट ला का फार्मूला है कि पी इक्वल टू ए सिग्मा टी पावर फोर है। पी जो हमारे पास पावर इंटेंसिटी है या पावर पर यूनिट सरफेस एरिया है, सिग्मा जो हमारे पास है इसमें वो हमारे पास क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ए जो है हमारे पास इंटेंसिटी कोफिशिएंट है। और हमेशा याद रखें कि जो भी हम जब भी हम किसी बॉडी को ब्लैक बॉडी अप्रॉक्सीमेट करें या ब्लैक बॉडी कहें, क्वेश्चन में गिवन हो कि हमारे पास ये ब्लैक बॉडी है, तो ए की जो वैल्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ इंटेंसिटी की वो हमारे पास हमेशा वन होगी। सो हम पुट करते हैं जी वैल्यू पी इक्वल टू सिग्मा टी पावर फोर आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमने वन पुट की है। अब क्योंकि पहले पार्ट में हमने टेम्परेचर को फाइंड करना है, सो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे टेम्परेचर के लिए। सो हमारे पास टी की जो वैल्यू आ जाएगी पी और सिग्मा होल पावर वन और फोर आ जाएगी। सो पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 575 मेगावाट पर स्क्वायर मीटर, सिग्मा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 4.67 एक्सपोनेंशियल -8 वाट पर स्क्वायर मीटर पर के पावर फोर हमारे पास आ जाएगी। सो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो टी इक्वल टू 575 एक्सपोनेंशियल 6 यानी मेगा है, तो एक्सपोनेंशियल 6 हम आ जाएगा और 5.67 एक्सपोनेंशियल -8 होल पावर हमारे पास क्या है 1 और 4। तो यहाँ से हमारे पास सोल पावर कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10035 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा, या सिंपली हम ये कह सकते हैं 1 एक्सपोनेंशियल 4 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा। सो ये हमने सिंपल फार्मूला यूज़ किया, और टेम्परेचर के लिए हमने इसको रीअरेंज किया वाइन डिस्प्लेसमेंट लाग हमने फार्मूला यूज़ किया इसमें से। दूसरा पार्ट हमने फाइंड करना है उसमें से लैम्डा मैक्सिमम। सो नाउ फॉर लैम्डा, लैम्डा के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू एच सी और 4.663 के टी हमारे पास फार्मूला है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास असल में वाइन्स डिस्प्लेसमेंट ला का फार्मूला, और ये ऊपर वाला है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोर्ड्स स्टीफन बोल्ट्जमैन जो ला है या उसका जो फार्मूला है ये पी इक्वल टू ए सिग्मा पावर के लिए हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी के लिए। सो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है जो स्टीफ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट ला है उसका हमारे पास ये फार्मूला है, सिग्मा मैक्स इक्वल टू एच सी और 4.9663 के टी। सो हम वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास कांस्टेंट है एच सी और के हमारे पास ये कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर केल्विन है। बाकी जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको हमने पार्ट ए में फाइंड किया जो कि 1 एक्सपोनेंशियल 4 है। सो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 2.89 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर आ जाएगी, या हम इसको कह सकते हैं कि 289 नैनोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन जिसमें हमने दो पार्ट फाइंड करने थे, एक में हमने टेम्परेचर फाइंड करना था जिसके लिए हमने पावर का फार्मूला यूज़ किया, इसको रीअरेंज किया, दूसरे के लिए हमने वाइन डिस्प्लेसमेंट ला का फार्मूला यूज़ किया, और हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है इससे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाजमी इसके साथ अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने ये इंशाल्लाह सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन अपलोड करने हैं क्वांटम मैकेनिक्स बाय नूरुद्दीन जेटली के, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर इसका कहीं और इतना हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा,
थोड़े बहुत चैनल है जिसपे चंद एक क्वेश्चन गिवन होंगे आपको और देखने को मिलेंगे, मगर मैंने इंशाल्लाह तरतीब के साथ इसके क्वेश्चन अपलोड करने हैं। कोशिश करूंगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज के सारे जितने मैक्सिमम हो सकेंगे वो मैं करूंगा इंशाल्लाह अपलोड। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इंशाल्लाह पीडीएफ मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्दी अपने वेबसाइट पर physicslove02.blogspot.com पे अपलोड कर लूंगा, वहां से आप इजीली इसको फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आर की पूरी वीक बबर की बुक के सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट का या आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। सो पेज फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।